हेलो विद्यार्थी मित्रों, जेम्स स्कूल धोरण 3 विषय हिंदी। तो आपणे हवे हिंदी खोलशू, तो हिंदी में चौथो पाठ खोलशू। तो चौथा पाठ में आपेलू छे, चौथा पाठ नु नाम छे सही शब्दों की पहचान, एटले के साचा शब्दों की ओळख। विद्यार्थी मित्रों, पेन्सिल अने इरेजर हाथ में लईने बेसजो, कारण के आपणे आमां राइटनी निशानी करवानी छे। तो आमां शुं आपेलुं छे के सही शब्दो के सामने राइट का चिन्ह लगाओ, एटले के खरा शब्दोनी सामे साचानुं चिन्ह करो, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपेलुं छे के चित्र ओळखी अने ते चित्रना शब्द सामे आपणे राइट नी निशानी करवानी छे। तो जोजो आमां हवे पेलू चित्र आपेलू सेनू छे, पोपट, बराबर। तो पोपट ने आपणे हिंदी में शुं कहीशुं, तोता। तो क्या आपेलू छे तोता? वच्चेना खानामां। तो वच्चेना खानानी सामे शुं करवानुं छे? राइट। तो पेला खानामां तमारे राइट करेलू छे, आपेलू छे, बराबर। पछी नीचेना खानामां सेनू चित्र आपेलू छे? गाय, बराबर। तो गाय ने हिंदी में गाय ज कहेवाय। तो गाय शब्द क्या आपेलो छे? तो के पेला खानामां। तो पेला खानानी सामे शुं करवानुं छे? राइट, बराबर। पछी एनी नीचे सेनू चित्र आपेलू छे? तीर। तो तीर ने हिंदी में शुं कहेशुं? तीर, बराबर। क्या खानामां आपेलो छे तीर शब्द? वच्चेना खानामां। तो वच्चेना खानानी सामे शुं करवानुं? राइट, बराबर। पछी एनी नीचेनुं चित्र क्यूं आपेलू छे? डमरू। तो डमरू ने हिंदी में केवा छे? डमरू। तो क्या शब्द आपेलो छे? नीचेना खानामां, बराबर। तो नीचेना खानानी सामे शुं करवानुं छे? राइट। पछी आपेली छे रिक्षा। रिक्षानुं चित्र आपेलू छे? हाँ। तो के रिक्षा ने हिंदी में केवा छे? रिक्षा, बराबर। क्या खानामां आपेलू छे? तो के त्रीजा खानामां। तो रिक्षा ने सामे शुं करवानुं छे? राइट, बराबर। हवे एनी नीचे सेनुं चित्र आपेलू छे? तो के बेट। तो बेट ने हिंदी में शुं केवा छे? बेट। क्या खानामां आपेलू छे? पेट। क्या खानामां लखेलू छे? तो के नीचेना खानामां। तो एनी सामे शुं करवानुं छे? राइट नी निशानी, बराबर। त्यार पछी बाजूमां जोईशुं हवे, तो सेनू चित्र आपेलू छे पेलू? तो के रींગણનું, બરાબર। તો રીંગણને આપણે હિન્દીમાં શું કહેશું? બેંગન। તો ક્યાં ખાનામાં આપેલું છે? પેલા ખાનામાં નહીં, બીજા ખાનામાં નહીં અને ત્રીજા ખાનામાં। તો એની સામે શું કરવાનું? રાઈટની નિશાની, બરાબર। પછી આપેલું શેનું ચિત્ર છે? ડોક્ટર, બરાબર। તો ડોક્ટરને હિન્દીમાં શું કહેશું? ડાક્ટર। તો ક્યાં ખાનામાં આપેલું છે ડાક્ટર? ત્રીજા ખાનામાં, બરાબર। તો ત્રીજા ખાનાની સામે શું કરશું? રાઈટની નિશાની। પછી આપેલું છે માછલી। માછલીનું ચિત્ર આપેલું છે? હા। તો માછલીને આપણે હિન્દીમાં શું કહીશું? મછલી। તો મછલી ક્યાં ખાનામાં આપેલું છે? પેલા ખાનામાં નહીં અને બીજા ખાનામાં। તો એની સામે શું કરવાનું? રાઈટની નિશાની, બરાબર। પછી શેનું ચિત્ર આપેલું છે? તો કે સૂર્યમુખી। સૂર્યમુખીનું ફૂલ આપેલું છે ને? હા। તો સૂર્યમુખીને હિન્દીમાં શું કહેશું? સૂર્યમુખી। ક્યાં ખાનામાં આપેલું છે? તો કે ત્રીજા ખાનામાં। તો ત્રીજા ખાનાની સામે શું કરવાનું? રાઈટની નિશાની। પછી શું આપેલું છે? તો કે રાષ્ટ્રધ્વજ, બરાબર। હવે રાષ્ટ્રધ્વજને હિન્દીમાં શું કહીશું આપણે? તો કે ઝંડા। ક્યાં ખાનામાં આપેલું છે ઝંડા? તો કે વચ્ચેના ખાનામાં। તો વચ્ચેના ખાનાની સામે શું કરવાનું મિત્રો? રાઈટની નિશાની। પછી શેનું ચિત્ર આપેલું છે? બિલાડીનું આપેલું છે, હા। તો બિલાડીને આપણે હિન્દીમાં શું કહીશું? બિલ્લી। બિલ્લી ક્યાં ખાનામાં આપેલું છે? તો કે પેલા ખાનામાં। તો પેલા ખાનામાં બિલ્લીની સામે શું કરવાનું? તો કે રાઈટની નિશાની કરવાની, બરાબર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમજાઈ ગયું? હવે આપણે પેજ ફેરવીને જોશું તો અહીં પણ આપણે એવું જ કરવાનું છે કે સહી શબ્દો કે સામે રાઈટ કા ચિહ્ન લગાવો, ખરા શબ્દોની સામે સાચાનું ચિહ્ન
करो बराबर। हवे जोजो पेलू चित्र शेनू आपेलू छे तो के पतंग बराबर। पतंग ने हिंदी में पतंग कहेवाशे तो पतंग सामे शू करवानू राइट। पछी आपेलू छे गुड़िया बराबर तो गुड़िया ने हिंदी में गुड़िया कहेवाशे तो एनी सामे शू करवानू राइट बराबर। पछी आ शेनू चित्र आपेलू छे तो के राणी नू तो राणी ने हिंदी में शू कहेवाशे रानी। तो क्या खाना में आपेलू छे तो के वच्चेना खाना में तो शू करवानू एमा राइट बराबर। पछी शेनू चित्र आपेलू छे तो के सूर्य नू तो सूर्य ने हिंदी में सूर्य ज कहेवाशे। क्या खाना में आपेलू छे तो के त्रीजा खाना में एनी त्रीजा खाना में शू करवानू राइट बराबर। पछी शेनू चित्र आपेलू छे होड़ी आपेलू छे बराबर तो होड़ी ने हिंदी में शू कहेवाशे नाव बराबर। तो नाव क्या खाना में आपेलू छे तो के पेला खाना में तो पेला खाना नी सामे शू करवानू छे राइट बराबर। पछी शू आपेलू छे हाँ वांदरानु चित्र आपेलू छे ने तो वांदरा ने हिंदी में शू कहेवाशे बंदर। बंदर क्या खाना में आपेलू छे तो के पेला खाना में तो पेला खाना नी सामे राइट करवानू बराबर। हवे बाजू में जोईशू तो पेलू चित्र आपेलू छे सफरजन बराबर। सफरजन ने हिंदी में शू कहेवाशे तो के सेब। सेब नी सामे शू करवानू राइट बराबर। पछी शेनू चित्र आपेलू छे तो के मोटर बराबर। मोटर ने हिंदी में शू कहेशू कार बराबर। तो कार नी सामे शू करवानू राइट। पछी शेनू चित्र आपेलू छे तो के बंदूक। तो बंदूक क्या आपेलू छे तो के वच्चेना खाना में तो वच्चेना खाना नी सामे शू करवानू राइट। पछी शेनू चित्र आपेलू छे तो के अंडा बराबर। ईंडा नू चित्र आपेलू छे विद्यार्थी मित्रों तो ईंडा ने हिंदी में कहेवाशे अंडा बराबर। क्या खाना में छे तो के त्रीजा खाना में तो एनी सामे शू करवानू राइट। पछी फूल आपेलू छे शेनू फूल छे फूलनू नाम शू आपेलू छे तो के गुलाब। गुलाब ने हिंदी में शू कहेशू गुलाब। क्या खाना में आपेलू छे तो के बीजा खाना में तो बीजा खाना नी सामे शू करवानू राइट। पछी शू आपेलू छे तो के घड़ियाळ आपेली छे बराबर। की घड़ियाळ छे दीवार घड़ियाळ छे टेबल घड़ी छे के कलाई घड़ी छे तो के कलाई घड़ी छे बराबर। एटले के हाथ में पहेरवानी घड़ियाळ छे तो एने हिंदी में कहेवाशे कलाई घड़ी। तो कलाई घड़ी क्या खाना में आपेलू छे तो के पेला खाना में तो पेला खाना नी सामे शू करवानू राइट। समझाई गयो विद्यार्थी मित्रों। थैंक यू।